नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स से दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, पितृपक्ष की हो गई है शुरुआत। सबसे पहला जो श्राद्ध निकलेगा वो पूनम का निकलेगा, मतलब कि जिनकी मृत्यु पूनम तिथि में हुई है उनका श्राद्ध पूनम के दिन निकाला। उसके बाद में जिस तिथि में जिस भी जीव की मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध निकाला जाता है। जो भी महिलाएं हैं जिनकी तिथि का पता नहीं है, सधवा हो, विधवा हो, जो भी हो, उनकी तिथि उनका श्राद्ध नौमी तिथि में निकाला जाता है। अमावस्या वाले दिन और चतुर्दशी वाले दिन, स्पेशली चतुर्दशी वाला दिन तो उन्हीं के लिए होता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या कोई एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए हैं, कोई मतलब जिनकी आपको ये आशंका है कि ये व्यक्ति तरा नहीं है, इसकी आत्मा अभी घूम रही है, उन तमाम लोगों की भी चतुर्दशी को भी निकलता है। लेकिन जो मेन तिथि वो अमावस्या जो लास्ट में आएगी, क्योंकि ये 17 से 2 तारीख तक चलने वाला है, तो लास्ट की जो तिथि अमावस्या उसमें उन तमाम जीवों का XYZ जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या जिनकी तिथियों का पता नहीं है सभी के श्राद्ध निकाले जाते हैं। तो आप अपने अनुसार अपने परिवार जनों का श्राद्ध निकाल सकते हैं। श्राद्ध में मैं आपको बता दूं, पितृपक्ष में हर व्यक्ति के ऊपर जो ऋण होते हैं, पितृ ऋण, श्राद्ध में पितरों को भोजन देना, पितरों के नाम से दान पुण्य करना, इन तमाम चीजों से आप पितृ ऋण को चुकाते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना, इससे पितृ ऋण चुक जाता है। जैसे गुरु का जो ऋण होता है, गुरु से जो हमने ज्ञान लिया है उसके बदले में गुरु को जब हम जो भी हमारे पास होता है वो हम उनको देते हैं कि ये आप ले लीजिए, इसका स्वीकार करें, और इसके द्वारा हम गुरु का भी ऋण चुकाते हैं। गुरु के द्वारा जो हमने ज्ञान लिया है उस ज्ञान का जब हम सदुपयोग करते हैं, जो गुरु बोलते हैं, गुरु की आज्ञा का जब पालन करते हैं, तो गुरु का भी ऋण उतरने लग जाता है। समय समय पर गुरु की पूजा करना, समय समय पर गुरु के चरण स्पर्श करना, गुरु को दक्षिणा देते रहना, जो भी हम जब किसी से कोई भी ज्ञान लेते हैं या किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं तो बदले में हम उसे दक्षिणा देते ही देते हैं। तो इस तरीके से हम गुरु का भी ऋण चुकाते हैं, माता पिता का ऋण चुकाना है, तमाम जो ऐसे पृथ्वी का जो ऋण है इसको चुकाना है। जब तक जीव कितनी भी पूजा पाठ कर ले, जब तक वो तमाम ऋणों को चुकाता नहीं है उसका भुगतान करने के लिए उसको दुनिया में बार बार आना पड़ता है। तो ये पितृपक्ष चल रहे हैं, शुरुआत हो गई है। तो पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें पितरों को पसंद है उसका दान करें, पितरों के नाम पर अमुक चीज़ों की दान दक्षिणा करना, जो ब्राह्मण है ब्राह्मणों को घर में बुलाना, अगर बच्चों का आप निकाल रहे हैं श्राद्ध तो बच्चों को बुला करके घर में भोजन करवाना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेन चीज जो मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन हर व्यक्ति को ये करना ही चाहिए। और इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मेरे भी घर में आज से ही शुरुआत हो गई। पितरों का पितृपक्ष के 15 दिन हर व्यक्ति सुबह उठ करके, जैसे आप मतलब चाय वगैरह बनाते हैं तो 15 दिन कोशिश करें स्नान आदि करके ही चाय वगैरह बनाएं। पितरों के नाम की सुबह से ही जैसे चाय बनाना है, जो भी आप भोजन करते हैं एक थाली उनके नाम की निकालना है और गाय को खिला देना है। भले ही उनकी तिथि हो या ना हो, तिथि वाले दिन तो आपको खूब धूमधाम से काम करना है, लेकिन 15 दिन रेगुलर जो भी आप भोजन करते हैं, चाय से लेकर के भोजन इत्यादि जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं वो पितरों को पहले जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये 15 दिन पितृ आपके घर में आते हैं, वो आपके घर में ही रहते हैं। इसकी और भी वीडियो में अपलोड करूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कैसे कैसे आपको पितरों से जुड़े हुए उपाय भी करने चाहिए। तो पितृ आपके घर में रहते हैं, जो भी आप भोजन इत्यादि करते हैं पितरों को अर्पित करें। पितरों की जहाँ आपने फोटो लगा रखी है 15 दिन रेगुलर उनके सामने दीयापत्ति लगाएं रेगुलर, और एक दीपक
सुबह जब आप दिया बत्ती कर लेते हैं, एक दीपक पितृ, वैसे हमारे घर में बताओ और होना भी चाहिए लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, इसलिए मैं एक दीपक बोल रही हूँ, अन्यथा दो दीपक, एक तरफ ओम नमो मातृ देवाय नमो, एक तरफ ओम नमो पितृ देवाय नमो। जो चौखट है, चौखट की राइट साइड पितृओं के नाम का, चौखट की लेफ्ट साइड मातृ मातृ देवाय नमो नमो बोल करके दो दीपक जलाने चाहिए। दोनों दीपक पर पुष्प चढ़ाने चाहिए और अक्षत चढ़ाने चाहिए और दो लोटा जल, एक मातृ पितृओं के नाम का, वैसे तो पितृओं का किया तो दोनों का आ जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आप एक लोटा जल चढ़ाओ एक दिया जलाओ तो भी इनफ है, लेकिन मातृ देवाय नमो पितृ देवाय नमो, क्योंकि मातृ लोक अलग है पितृओं का लोक अलग है, तो मातृ देवाय नमः। जो भी हमारे घर की स्त्रियाँ थी, हमारी जो भी दादी परदादी जो भी पूजनीय थी जो भी थी, उनके लिए मातृ देवाय नमः। एक लोटा जल, लोटे में मतलब जल में आपको काले तिल मिला लेना है। जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और अगर 15 दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के अपने पितरों को जल देते हैं तिल वाला, तो भी पितरों को गजब की शांति प्राप्त होती है। तो 15 दिन ये दीपक आपको चौखट पर जलाना है। दूसरा एक दीपक आपको पनिहारे पर, मतलब जहाँ आपका पानी का स्टॉक है, जहाँ आप मटका रखते हैं आरओ है, वहाँ पर एक दीपक पितरों के नाम का आप अवश्य ही जलाएं। इतना करने से आप देखोगे कि पितरों को गजब की शांति मिलती है। कुछ लोग छत का भी नियम पालते हैं कि एक दीपक छत पर भी जलाते हैं। छत का अगर आप उपाय करते हैं तो कैसे करना है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो है पनिहारे का दीपक, चौखट का दीपक, ये तो आपको आंख बंद करके 15 दिन जला ही देना है, बराबर। तो इस उपाय को आप जरूर करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मच्छी मणि पर और जरकन की अंगूठी पर सेल चल रहा है जो 2025 तक, और जैसे मैंने बताया कि राहु गजब का राजयोग बना रहे हैं, तो मच्छी मणि तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को आपसे दूर करती है, कुसंगता से नशा को भी छोड़वाती है, नोटों की गड्डी आती है, अचानक बड़ी बड़ी रकम आपके पास आती है, तो ये करती है। तो मच्छी मणि पर भी मैंने सेल लगा दिया है ताकि 2025 तक हर घर में मच्छी मणि हो जाए। जरकन की अंगूठी, जरकन हीरे का उपरत्न है, आपके शुक्र को मजबूत बना देता है जिससे घर में दौलत आती है, दोनों पर सेल है। और अभी दीपावली तक एक और आपको बता दूं, माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र, महालक्ष्मी का जो पिरामिड है, उन तमाम चीज़ों से बना है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ये तमाम चीज़ों से बना हुआ ये श्रीयंत्र पर अभी सेल लगा हुआ है और माता लक्ष्मी को विराजमान करने वाली ये जो आसनी है इस पर भी सेल लगा हुआ है, आप इसे मंगा सकते हैं। श्रीयंत्र पर पाइराइट का कॉइन फ्री है, श्रीयंत्र पर पाइराइट का कॉइन फ्री है, ये वो पिरामिड है जिसको घर में रखने मात्र से माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। और जो पाइराइट है, पाइराइट दोस्तों आप सभी को मालूम है, जो भी हमारे व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है, पाइराइट ऐसा स्टोन है जो गरीबी को जड़ से मिटा देता है, और पाइराइट के स्टोन को इस पर मैंने श्रीयंत्र पर फ्री कर दिया है, हाँ दीपावली तक 1100 का कॉइन है, कॉइन पर वो 3 नंबर लिखे हुए हैं जो अचानक धन लेकर के आते हैं, वो कॉइन फ्री है, तो आप चाहें तो इसको आराम से मंगवा सकते हैं, गरीबी को जड़ से हटा सकते हैं। मैं चाहती हूँ हमारा हर सब्सक्राइबर पैसे वाला हो, क्योंकि गरीबी वो चीज़ है जो इंसान को जड़ से खत्म कर देती है। तो जरूर आप इन चीज़ों को अपने घर में बसा लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।